सो गाइस, दिस इज आवर लास्ट पार्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये लास्ट पार्ट है गाइस एफिलिएट मार्केटिंग का, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्द से जल्द आपका एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स खत्म कर दूंगा। तो इन 7 से 8 पार्ट्स में मैंने सारी चीजें आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दिया। अगर अभी भी आप कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हो, कहीं पर भी घूमो कुछ भी करो, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो चलते रहे, तो वो कैसे होगा, इस वीडियो में आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। और ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे आज के आज एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है और आप इजी आज के आज स्टार्ट कर सकते हो। देखो गाइस, इतना सारा मैंने 1 2 3 4 7 8 पार्ट अभी तक आपको बता दिया है, जिसमें आपको सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता दिया। लेकिन अगर आपने सारे पार्ट देख लिए हैं, एक्शन नहीं लिया है, तो आप कहीं पर भी ग्रोथ नहीं देखोगे। तो प्लीज गाइस, गो एंड टेक एक्शन। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन एनीथिंग। तो प्लीज इस चीज को समझो, सिर्फ देख के कुछ नहीं होता है, देख के इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, फिर जाके कुछ होता है। तो चलो बोर्ड पे, वहां मैं आपको आगे बताता हूँ ऑटोमेशन का क्या प्रोसेस है। तो लेट्स गो ऑन द बोर्ड। सो गाइस, एज यूजुअल हम लोग बोर्ड पे हैं। ऑटोमेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि हर कुछ ऑटोमेट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने फनल सेक्शन में आपको बताया था कि फनल में पहले आपको फ्री ट्राफिक यूज करना है, ठीक है, फ्री ट्राफिक। फिर जब फनल काम करने लगे तो पेड ट्राफिक। जब पेड ट्राफिक यूज करने लगे तो क्या हुआ? ऑटोमेट हो गया। जब फ्री यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? मैनुअल आप कर रहे थे जस्ट। तो जब आपको समझ में आने लगे कि आपका फनल काम कर रहा है, तो सबसे पहले पेड एड्स लगा दो, सबसे पहला तरीका। इस एड को आपने लगाया, जिसको हो सकता है हर दिन 5 10 मिनट चेक करना पड़े, ठीक है। ये पूरा ऑटोमेट नहीं है, अभी आगे बताऊंगा पूरा ऑटोमेट कैसे करेगा, चेक करना पड़ेगा। लीड्स आपके फनल तक पहुंच रही है, लीड्स आपके फनल तक पहुंच रही है, ईमेल्स ऑटोमेटेड आपके ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, और सेल हो रही है। और यहाँ अप सेल भी हो रही है, अगर आप करना चाहो तो। अप सेल यानी हाई टिकट प्रोडक्ट, और सेल यहाँ पर मतलब लो टिकट प्रोडक्ट, मतलब अंडर 100 डॉलर, ठीक है, अंडर 100 डॉलर, और ये अप 100 डॉलर। तो ये ऑटोमेटेड हो रहा है, लेकिन ये बहुत आसान लग रहा है कि ये पूरा चीज हो जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम कि आपको एड रन करना आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। दूसरा काम, आपका फनल बहुत रेडी होना चाहिए, एकदम अच्छे से रेडी होना चाहिए, वेल चेक्ड होना चाहिए। जब तक आप चेक नहीं करोगे अपने फनल को कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब तक आप अपने फनल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वरना आपको डेली चेक करना पड़ेगा। ईमेल ऑटोमेशन, पूरा सीक्वेंस तैयार होना चाहिए आपके पास ईमेल ऑटोमेशन का, 90 दिन का, या 2 महीने का, या 1 साल का, या 15 दिन का, पूरा ईमेल सीक्वेंस आपका रेडी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके ऑडियंस आपको जाननी चाहिए, और उसके बाद जाके सेल होगा। कहने में बहुत ज्यादा इजी कि आपका फनल तैयार होना चाहिए, ईमेल सीक्वेंस तैयार होना चाहिए, एड्स तैयार होना चाहिए, लेकिन काम करना ही उतना कठिन, लेकिन नामुमकिन नहीं। आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने जो जो चीजें कही हैं उसको करो। तो ये एक तरीका होगा कि आप हर चीज खुद से कर रहे हो और सेट कर रहे हो। दूसरा तरीका ऑटोमेशन का ये होता है गाइस यहाँ पर, कि आप हर चीज को किसी और से करवा सकते हो। जैसे एड के लिए आप एड मैनेजर रख सकते हो, वो आपका एड चलाएगा, ठीक है। फनल के लिए आप फनल किसी और से बनवा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, जो अभी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ईमेल तो आप लिखवाओगे ही किसी ना किसी से, ठीक है, अगर खुद लिख सकते हो तो खुद भी लिख लो, ठीक है। और इस सेल की जो टेक्निक है, उसके लिए भी अलग अलग एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो अगर आप चाहो तो पूरी एक मतलब 3 4 बंदों को हायर कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो फाइवर से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, अलग अलग से, या तो एक टीम भी बना सकते हो। टीम बनाओगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा, फाइवर से हायर करोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ऐसे करके ऑटोमेशन पे ले जा सकते हो अपने एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस। दूसरी जो चीज है,
वो एक समअप मान सकते हो आप, कि एक समअप कर रहा हूं मैं जितनी चीजें मैंने बताई है, वो भी चीज इसी जो लेआउट मैंने बताया उसी से होके आती है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है आपको आज के आज, तो करना है क्या आपको, बस एक प्रोडक्ट फाइंड करना है सबसे पहले। उससे पहले नीश सिलेक्शन करना है, नीश सिलेक्शन, और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट फाइंड करना है जो वैल्यूएबल होना चाहिए, ठीक है, आपके कस्टमर्स के लिए। याद रखना इस चीज को, जो वैल्यूएबल होना चाहिए आपके कस्टमर्स के लिए। प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, पीपी फॉर्मूला, इससे पहले भी मैंने बताया आपको। वही एक प्लेटफॉर्म चूज करो जिसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ब्लॉग हो, या कुछ भी, जहां से आप ट्रैफिक ड्राइव करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो, ठीक है, फ्री ट्रैफिक के लिए। और पेड ट्रैफिक के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, बिंग एड्स हो, गूगल एड्स हो, एक प्लेटफॉर्म। याद रखना, 10 चीज में हाथ लगाओगे एक भी पकड़ नहीं आएगा, एक प्लेटफॉर्म, वन टाइम वन प्लेटफॉर्म। बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा, एक प्लेटफॉर्म। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से वो चाहते हैं हर इधर से बटोर लें, इधर से बटोर लें, इधर से बटोर लें। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिलीव मी। आप जो सोचते हो कि इधर इधर हर जगह से लें, नहीं, बिगिनर हो आप, नहीं कर सकते, टाइम लगता है थोड़ा करने। फिर उसके बाद जैसे कि एक में मास्टरी हासिल कर ली, फिर उसके बाद लेवरेज करो धीरे 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 हर चीज में घुसो, लेकिन पहले एक। कोई भी आज तक जो भी मार्केटर हो, बिजनेसमैन हो, अगर वो बहुत सारे उसके बिजनेस है, तो पहले उसके पास एक बिजनेस था, फिर उसने धीरे 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 और सारे की मास्टरी करने के बाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टरी करने के बाद ट्रैफिक ड्राइव करो अपने प्रोडक्ट पे। ड्राइव करते वक्त अपना इंटरनल चीज स्ट्रांग करो, लैंडिंग पेज, फनल, फनल, ईमेल ऑटोमेशन, वैल्यू सेल, डॉलर डॉलर, और अपसेल भी आप आगे कर सकते हो। तो ये बस एक सिस्टम है जो आज के आज आप स्टार्ट कर सकते हो। दो तीन काम करना, ज्यादा चीज नहीं करना है। फनल कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया, लैंडिंग पेज कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ईमेल सीक्वेंस कैसे ऐड करते हैं, लिखते कैसे हैं ये मैंने आपको नहीं बताया, ईमेल सीक्वेंस ऐड कैसे करते हैं, ईमेल सीक्वेंस पे काम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू कैसे देते हैं, लोगों को नॉलेज शेयर करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है, मोटा मोटा पतला, एप्स कैसे बनाते हैं, बॉडी कैसे बनाते हैं, ये अपने ऑडियंस को बताओ, सेल लेके जाओ, राइट। सो इजी, बस आपको लेना होगा एक्शन, एक्शन लोगे रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों यही था पूरा चीज जिसको इतनी सारी चीजों में मैंने बताया, और मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कम से कम टाइम में, कम से कम वीडियोस में आपको सारी चीजें दे दूं और सारी चीजें आपको बता दूं। तो आशा है कि आपको पूरी वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आज ये लास्ट है जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ये जो लिस्ट है अपनी प्लेलिस्ट। मैं चाहूंगा कि आप उन सब लोगों तक ये प्लेलिस्ट पहुंचाएं जिनको जरूरत है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वन टू वन कॉल चाहिए, हर चीज मेरे तरफ से आपको फ्री मिलेगी, वैल्यूएबल मिलेगी। वन टू वन कॉल आप कभी भी मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक कभी भी कर सकते हो, पहले मैसेज करना, मैं फ्री रहूंगा, 100% वन टू वन कॉल पे भी बात कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, क्योंकि मुझे इससे मिलती है मोटिवेशन। अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज उन सारे लोगों तक तो पहुंचाओ जिन लोगों को जरूरत है। फ्री में हर चीज दे रहा हूँ गाइज, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू भर भर के, ये मत समझना कि पैसे नहीं लगा रहे तो काम नहीं करोगे, काम करो, वरना मैं पैसे लगाना स्टार्ट कर दूंगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।